हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं बिल्कुल दो टॉपिक पे ही बात करूंगा। सबसे पहला कि इंटर्नशिप पे बात करूंगा, और इंटर्नशिप पे अभी मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक कुछ रीज़न है उसकी वजह से मैं आज बात कर रहा हूँ। वो रीज़न आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और दूसरे टॉपिक पर मैं जो बात करूँगा वो है आपका जो सबसे पहले जो पेपर आएंगे, अभी IA1 IA2 आने वाला है, और उसके बाद जस्ट आपका नवंबर में आपका मिड टर्म स्टार्ट होगा। तो अभी हम बिल्कुल मिड टर्म तक ही बात करेंगे, क्योंकि एंड टर्म आपका जनवरी में होने वाला है। उसके पहले अभी एक दो वीडियो आ जाएगी, उस पर मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल अभी मिड टर्म और IA1 IA2 पे बात करूंगा, और इंटर्नशिप पे बात करूंगा, ठीक है। तो हमारे वीडियोज़ आप पूरे पेशेंस के साथ देखना, ये ज़्यादा लंबा वीडियोज़ मैं नहीं करूँगा। और सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ ना, फाइनेंस की कंपनी कोई आई थी कुछ दिन पहले, मुझे बच्चों से पता चला, और कल उसकी लास्ट या परसों लास्ट डेट थी भरने की इंटर्नशिप के लिए, जो आपको समर वैकेशन में होने वाली है, वो अभी से ही आ रही है इक्का दुक्का करके। तो ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं चला था इसके बारे में कि इंटर्नशिप की कोई कंपनी भी आई थी। तो सीनियर में जो कोऑर्डिनेटर है ना, उनसे आप कनेक्टेड रहना, उनको जल्दी पता चल जाता है। सारे सीनियर से नहीं, जो सीनियर में जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे पता चलेगा, या तो फिर HOD से, या तो फिर डीन से, या तो PC से, या तो फिर फैकल्टी से पता चल जाएगा ये चीज़। और नहीं भी होता है ये सब चीज़ से, तो आप CR को बोलना, जो आपके क्लास के जो भी सारे सेक्शंस के जो CR हैं, CR से कनेक्टेड रहना। और CR को सब कुछ पता होता है, क्योंकि CR हर केस से कनेक्टेड रहते हैं, और CR की ड्यूटी रहती है कि कोई भी बाहर की इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों से रिलेटेड जो ग्रुप में, वो सेंड कर दिया करेंगे। कंपनी अगर आ रही है इंटर्नशिप के लिए तो मुझे बता दिया करें। शायद ये कोई कंपनी का नाम BNY या BYN करके कुछ कंपनी का नाम था, मुझे अच्छे से एग्जैक्टली याद नहीं है। और आज इसका शायद ऑनलाइन टेस्ट था, और इसका अक्टूबर में शायद इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू वगैरह होगा, नवंबर में इंटरव्यू वगैरह है, तो इंटरव्यू वगैरह होगा। उसके बाद जो सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, जो शॉर्टलिस्टेड फाइनल हो जाएंगे, उनका समर में उनका ऑलरेडी उनका मतलब इंटर्नशिप के लिए वो चले जाएंगे। इंटर्नशिप जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना से 2 महीना तक इंटर्नशिप चलता है, और अभी से आ रही तो ठीक है, वरना उस समय भी कंपनियाँ आती हैं। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होगा ना, उसके 15-20 दिन पहले से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो कहाँ से जानकारी दिया जाएगा, वो जानकारी दिया जाएगा आपको बाई मेल या तो बाई CR आपको ग्रुप में भेज देंगे। 15 से 20 कंपनी 25 कंपनियाँ आती हैं, लिमिटेड आती हैं, तो आप देखते रहना। और उसमें सिंपल सा इंटरव्यू होता है, सिर्फ एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होकर के आप जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज से भी लो, बाहर से भी कहीं कंपनी है कहीं और से भी अप्लाई कर सकते हो, कि इंटर्नशाला वेबसाइट है वहाँ से भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, याद रखना, समर वैकेशन में, जब भी आपका समर वैकेशन स्टार्ट होगा तब, अभी से अगर इंटर्नशिप करते हो तो ना कॉलेज जिम्मेदारी लेती है, ना वो NOC देगी, और क्लासेस छूटेंगे, सो आपका वो अलग नुकसान होगा। तो ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए टेंशन नहीं लेना, और इंटर्नशिप एक एक बच्चों को करना ज़रूरी है। सारे बच्चे इंटर्नशिप कर लेना, क्योंकि इसका प्लेसमेंट में जा करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, इंटर्नशिप के लिए कैसे रिज्यूमे बनाना है वो सिंपल सा बनाना रहेगा। और जो प्लेसमेंट का रिज्यूमे है, जो आज मैंने रिज्यूमे भेजा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बिल्कुल प्लेसमेंट का जैसा है। वो पूरा का पूरा उसमें बहुत ही हार्ड रिज्यूमे नहीं बना देना है इंटर्नशिप के रिज्यूमे के लिए, ठीक है। इंटर्नशिप का रिज्यूमे जो होगा बिल्कुल ईजी होगा, उसमें ज़्यादा भी एक्सपीरियंस ये वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो भी इंटर्नशिप का रिज्यूमे बना वो सिंपल बनाओ। और मैंने जो रिज्यूमे भेजा है वो है प्लेसमेंट का, जिससे मुझे प्लेसमेंट लगा था। तो आप लोग अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप लोग बताना, मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। जो MBA के बच्चे हैं सिर्फ स्पेशल उनके लिए है, और जो भी मुझे पता चलता है छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन कहीं से भी, कुछ ही मुझे आइडियाज़ मिलता है, तो मैं अपने बच्चों को ग्रुप में भेज देता हूँ जो मेरे साथ मेरे से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, ठीक है। तो इंटर्नशिप का तो हो गया, इंटर्नशिप कब स्टार्ट होती है, तो सेकेंड सेमेस्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इंटर्नशिप को अब साइड कर देते हैं, इंटर्नशिप के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि आगे 4-5 वीडियो भी आएगी तो उसके पे इंटर्नशिप के बारे में मैं बोलूँगा। तो इंटर्नशिप का बस यहीं तक था, और इंटर्नशिप सबको कर लेना, इतना याद रखना। चाहे किसी भी फील्ड से इंटर्नशिप करो, कोई मैटर नहीं करता है, बशर्ते कि आपकी जो फील्ड मिल जाती है, जैसे आप मार्केटिंग के हो तो मार्केटिंग से करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्केटिंग के हो तो मार्केटिंग से ही करेंगे, ऑपरेशंस के हो तो ऑपरेशन से ही करेंगे। ऑपरेशंस वाले बंदे मार्केटिंग से कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस के बंदे मार्केटिंग, या मार्केटिंग के बंदे फाइनेंस से कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सेलेक्ट हो जाओ तब। अब बात करते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम क्या। पहला जो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम आने वाला है IA1 इंटरनल असेसमेंट 1 में, शायद LMS पे होगा, MCQ शायद, क्योंकि मैं कोई चीज़ कंफर्म नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, ना बता रहा हूँ ना बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताता हूँ, और जो एनालाइज करके मैं इधर उधर से मैं बस आप लोग को बताता हूँ। IA1 जो होने वाला है वो आपका MCQ होगा, और IA2 जो होगा वो आपका PPT प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस।
सिनॉप्सिस जो होता है 4 पेज का होता है, 4-5 पेज का, बिल्कुल वो स्ट्रक्चर होता है किसी टॉपिक का। और प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल 150 पेज का या फिर 70-75 पेज का तो मिनिमम होता ही होता है। प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप तैयार करोगे वो भी किसी एक टॉपिक पे होता है। वही सेम टॉपिक पे आप पीपीटी बनाओगे, जो बच्चे पीपीटी फाइनल कर देंगे उनका मार्क्स चढ़ जाएगा, 20 नंबर या 10 नंबर का रहता है, IA1 IA2 करके मिला के रहता है सब। तो ये हुआ आपका IA1 IA2। अब आपका आता है मिड टर्म, जो आपका शायद 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो 12 नवंबर से मिड टर्म स्टार्ट होगा, तो वो हो सके डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक IA1 IA2 भी नहीं हुआ है और टोटल यूनिट 1 यूनिट 2 से ही आएगा, यूनिट 3 यूनिट 4 आपका सेमेस्टर में आएगा। तो अभी फिलहाल फोकस करना है यूनिट 1 यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ा दिया गया है तो आप फैकल्टीज़ को बोलना कि आप जो भी पढ़ाए हो आप मेरे को ग्रुप में भेज दो, मैं सब पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, मेरी जो क्वेश्चन मेरे से जो पूछा गया था वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एक आइडिया मिल जाएगा, मैं अपना क्वेश्चन पेपर आप लोग को साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो आप लोग मिड टर्म का तैयारी करो अच्छे से, 50 नंबर का शायद होता है, और IA1 IA2 पे आप वर्क करो अच्छे से, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस ये हमारा आज छोटा सा वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।